क्या नाम था सर गुड़िया का? संदीप कौर। तो नीचे का तो क्या हुआ है? बस ना यार ले लिया जी, दो दिन पहले देर अंदर मैं घूम दिया था, तो जब ख़त्म होगी फिर ले लिया हॉस्पिटल में। अच्छा जी, तो पहले आती थी समस्या? हाँ पहले भी एक दो बार करा, फिर मौसम भी मांग लिया ने पक्का पक्का अंदर था, फिर लेट दिया जी जिस तरह चार पाँच जन, कोई बात नहीं गलती हो गई इंसान। कौन से महीने में शादी हुई थी? 11 महीने की, 9 तारीख को। कोई डिमांड भी थी उनकी? हाँ उसके बाद फिर पैसे की डिमांड कर लगी। कितने पैसे की? 15 लाख की करी थी डिमांड, अभी पूरे नहीं बने मेरे पास। कोई पैसा भी दिया था आपने? हाँ जी। कितना? 3 लाख दिया था जी। किस 15 लाख रुपए किस चीज़ में चाहिए थे इनको? वो कह रहे मैंने अमेरिका जाना है। मैं कहाँ इस टाइम? वो इटली है। इटली है, तो कोई जैसे बता रहे थे कुछ अवैध संबंध भी थे उनके? हाँ जी, वो जौन सी उसकी जेठानी है जी, उसके साथ उसका लेन देन सिस्टम चल रहा था। जहर कब दिया? जहर 2 दिन पहले, 2-3 दिन दे दिया डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टर ने बताया? जहर को तो बताया जी, बुखार हो रहा है। तो अमृतधारा में कौन लेके गया? कोई नहीं था गया जी। फिर वहाँ उसके बाद फरार हो गए? हाँ जी, उसके बाद फरार हो गया डॉक्टर ने। पोस्टमार्टम हो चुका है? अभी करवाने लग रहे हैं। अभी करवा रहे हैं। ठीक। क्या हुआ? वही लड़की को हमारे 4 दिन पहले भोजन दिया हुआ था, स्लो भोजन था, उसके अंदर बच्ची का सारे अंदर से लीकेज हो चुकी है बच्ची। जब हम गए, हमको कल शाम को हमें पता लगा था, तो हम शाम को ही भाग पड़े वहाँ से। जाके देखा बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ है? पहले पंचायत होता था जी, घर में चूल्हा जाता था, कोई ऐसा तो है नहीं। आप कुछ डिमांड रखने लग गए, ब्रदर ने 3-1 लाख रुपया दिया भी था, 15 लाख की डिमांड थी, तो इसने 3 लाख इसके पास बना था। बता रहे इटली से अमेरिका जाना था उसके लिए जी, अगले देश जाना था, तो कहता 15 लाख की डिमांड है मेरी, 15 लाख लो। ब्रदर ने उसको 3 लाख रुपये दिए, उसके बाद कहता है 3 लाख ले लो, मेरे को 15 लाख चाहिए। ये कहता है जीरी कटेगी, मैं 2 लाख बेचूंगा, जैसे मर्जी करूंगा आपको दे दूंगा। इतनी डिमांड रखने के बाद बस 5-7 दिन की बात हुई है अभी, बस 4 दिन से उन्होंने भोजन दे रखा था, डॉक्टर की रिपोर्ट आई। एक्सपायर कितने बजे हो गए कल? रात हो गए थे जी एक्सपायर, 10:30-11 बजे करीब हो गए। वो लोग वहाँ से मौके से फरार हो गए थे? मौके से फरार हो गए, छोड़ करके चले गए थे बस जी, छोड़ के चले गए। लड़की का नाम क्या है? रमनदीप। कहाँ की रहने वाली? पिपली मार रणदीप। शादी कहाँ हुई थी? शादी हुई थी यहाँ गाँव बारी है। बारी 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 हाँ जी। चल, लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी जो बेटी है उनको जहर दिया गया है, क्या सामने आया सर? कल हमारे को अमृतधारा हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि रणदीप कौर नाम की लड़की यहाँ एडमिट हुई है और वो एडमिट होने के बाद डेथ हो गई है जी। जिस सूचना पे हमारे आईओ वहाँ पहुँचे और जो लड़की के परिजन वहाँ मिले, उन्होंने हमारे को जो कंप्लेंट दी है, उनका आरोप ये है कि उनकी लड़की की शादी लगभग 11 महीने पहले हुई थी और लड़की का जो हस्बैंड है वो आजकल बाहर रहता है, दिलबाग नाम है, और उनके परिवार वालों ने कोई जहरीली चीज़ दे के या उसके परिवार की वजह से उसने कोई जहरीली चीज़ ले के अपना जीवन लीला समाप्त की है। इस कंप्लेंट पे अब FIR रजिस्टर्ड करके पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम हो चुका है सर? नहीं, अभी एप्लीकेशन हमें अभी मिली है और अभी FIR रजिस्टर्ड की जा रही है, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट तैयार करके बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम। कौन से गांव में शादी थी सर? बाहरी के पास डेरे हैं, वहाँ शादीशुदा थी लड़की। उनके पति कहाँ हैं सर? उनके पति बाहर फॉरेन में रहते हैं, दिलबाग से। बता रहे को डिमांड भी थी 15 लाख रुपए की? उन्होंने कंप्लेंट में लिखा है कि 15 लाख रुपए बीच में मांग रहे थे दहेज के लिए, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर होंगे। क्या क्या आरोप लगाए गए सर? आरोप यही है कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और मारपीट करते थे, हमारे घर भी नहीं आने देते थे, जो लड़की के परिजन वो कह रहे हैं। बाकी मुख्य आरोप लास्ट में यही है कि जहर दे के उसकी हत्या की। समाज के लिए सर इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या? देखिए यही है, अगर इस प्रकार की कोई बात होती है जिसका हमारी नॉलेज में लेके आने से समाधान हो सकता है, हम उसमें कोई काउंसलिंग करवा सकते हैं किसी प्रकार की परिवार की या पीड़ित की, तो हमारी नॉलेज में लेके आए, अदरवाइज अपना जो भी दोनों परिवार हैं इस ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें जिससे कि किसी भी लड़की या लड़के को कोई ऐसा कदम उठाना पड़े कि जो आगे जाके बहुत परिवार के लिए घातक सिद्ध। सर इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है? हाँ जी, FIR दर्ज की। अब तक गिरफ्तार किया है किसी को? अभी रेड पे हमारी पार्टी गई हुई है, अभी देखते हैं कि आरोपी
हाँ मिलते हैं। और कौन कौन बनाए गए हैं सर इसमें आरोपी? इसमें 5-6 जो इनके पारिवारिक और रिश्तेदार हैं उनको आरोपी बनाए गए। ठीक।